नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआरएल एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों, तो आप सबके लिए एसएससी जीडी का अपन एनालिसिस लेके आ चुका हूँ, ठीक है। बहुत ही शानदार एनालिसिस होने वाला है एसएससी जीडी 2024 का, ठीक है। 27 फरवरी थर्ड शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो लेके आया हूँ। तो यहाँ पर आप, मैं एक चैलेंजिंग बता रहा हूँ कि 6 में से आप 5 सही करके बताइएगा, ठीक है। तो आपकी तैयारी सही तरीके से है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन होता या नहीं होता, तो आप इस वीडियो से थोड़ा सा नॉलेज ले सकते हैं। यदि 6 में से आपके 5 राइट होते हैं तो आपकी, ठीक है, ये मान लीजिएगा 90% चांस हो जाएंगे आपका सिलेक्शन का। यदि मान लीजिए 6 में से 4 राइट होते तो ये मान लीजिए 80% चांस है आपके सिलेक्शन होने के। तो रीजनिंग के सबसे टफ तो क्वेश्चन नहीं बोल सकते, सबसे कठिन क्वेश्चन नहीं बोल सकते ना, हाँ, लेकिन मॉडरेट क्वेश्चन जरूर है, ठीक है। क्योंकि आप देख लीजिए, टफ क्वेश्चन तो CGL हुआ, ठीक है, और CHSL हुआ, या फिर बैंकिंग एग्जाम में आते हैं। सीट जो आपका अपना जीडी पेपर है तो इसमें टफ क्वेश्चन आते ही नहीं, ठीक है, इजी टू मॉडरेट ही आते हैं। जो CGL की तैयारी कर रहा बच्चा, उसको तो इसके क्वेश्चन इजी ही लगते हैं, ठीक है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मॉडरेट लगें। तो आपको यदि अपनी तैयारी को जांचना है तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो 6 में से 5 सही करके बताइए, ये चैलेंजिंग है छोटा सा। तो वीडियो अपना छोटा सा होने वाला है, तो दोस्तों चैनल पर पहली बार, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन नंबर सीरीज का, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। आपके लिए कुछ ही सेकंड का टाइम दिया जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। तो क्या करना है, आपको वीडियो को रोक के इसको सॉल्व करना है, क्योंकि यदि मैं रुकूंगा तो आपका टाइम ही खराब होगा, वीडियो लंबा होगा। तो इसलिए मैं जल्दी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ और इसको आपको बताता हूँ किस प्रकार से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, 2 है, फिर क्या है 22 है, फिर कितना 198 है, फिर आपका 1386 है, और यहाँ पर क्वेश्चन मारो। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कौन सबसे पहले कर पाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। नंबर सिक्स क्वेश्चन, ए भी नहीं, लगभग आपको 30 सेकंड में या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 5 मिनट ले लिया और क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, वो नहीं माना जाएगा। कम से कम आपको 30 सेकंड में करना है और जल्दी से जल्दी, ठीक, और या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का टाइम लेना है, फिर वीडियो को आपको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। नहीं तो आप 5 मिनट में कैसा भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे, बाद टाइम भी तो मैनेज करना है। तो देखिए, 2 से कितना बनाया जा रहा है बताइए, कितना बनाया जा रहा है 2 से, आपको 2 से क्या बनाया जा रहा है, 22 आ रहा है। तो यदि आप इसको देखते हैं तो इसका 2 बार लिख दिया, लेकिन इसको 2 बार थोड़ी लिखा है, तो फिर क्या हुआ होगा, जल्दी से सॉल्यूशन इसका देख लीजिएगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं, यदि अपन प्लस देखें तो इस इधर यदि प्लस का चिन्ह देखते हैं तो प्लस कितना किया जल्दी से बताइए, 20, लेकिन यहाँ पर यदि प्लस देखते हैं तो यहाँ बच रहा 6 और 19 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 17, 176 हो रहा है, तो प्लस भी नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या हो सकता है वो अपन चेक करते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को आपने ठीक क्या कर लिया होगा, लॉजिक लगा लिया होगा। अब आपको समझ में आया क्वेश्चन किस प्रकार का है, चलिए ये इस प्रकार से हो सकता है, 11 × 2 अपन करते हैं तो कितना होता है जल्दी बताइए, 22 होता है। तो अब आपको बनाना है 198, तो 22 में किसका गुणा करें कि 198 होता है, बोलता ही 9, 22 नंबर कितना होता है 198 होता है, 198 होता है। तो अब 198 में किसका गुणा करें कि अपना 1386 आ जाए जल्दी से बताइएगा, तो पीछे चाहिए 6 तो 8 × 2 = 16, यदि 2 करेंगे तो आएगा नहीं, 5 करेंगे तो आएगा 6, 7 करेंगे, ठीक है, 7 × 8 कितना होता है 56, बचा कितना 5, 9 × 7 = 63, और 5 कितना हो जाएगा 68, बचेगा 6, तो 7 × 1 कितना हो जाएगा 13, तो आपका 1386। लॉजिक आपको आराम समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ कितना हुआ -2 हुआ, यहाँ कितना हुआ -2 हुआ, तो यहाँ भी जैसे अपन -2 करेंगे तो अपन 5 का गुणा करेंगे किस में बताइएगा, 1386 में, और अपना आंसर आ जाएगा। तो अब 1386 में गुणा कितने का करना जल्दी से बताइए, 5 का, तो 5 × 6 = 30, कैरी 30, 40 × 3, देखिए 5 × 6 का कितना हो जाएगा 30, कैरी कितनी आएगी 3, और 5 × 8 = 40 × 3 = 43, कैरी 4, तो 15 × 4 = 19, कैरी 1, 5 × 1 कितना हो जाएगा 6, यानी 6930 अपना आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपके 6 में से कितने राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या बोला जा रहा है, यदि लीडर को 20, 13, 9, 12, 13, 26 में कूटबद्ध किया जा रहा है तो लाइट को कैसे लिखा जाएगा जल्दी से बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब देखिए लीडर है, तो लीडर
यदि एल की बात करें तो एल होता है 22 नंबर पर, ठीक है। ई आपको कितने पर होता है? 5 नंबर पर। ए होता है 1 नंबर पर, और डी आपका होता है 4 नंबर पर। ई होता है 5 नंबर पर, और आर जो होता है 18 नंबर पर। अब यहाँ देख लीजिए 20 है 13 है, तो 20 कैसे बन सकता है? वीडियो को रोक के आपको सॉल्व करना, ठीक है। यदि अपन इसमें 8 जोड़ते हैं तो 20 आ रहा है, इसी प्रकार से इसमें 8 जोड़ते हैं तो 13 आ रहा है, हाँ 13 है। यदि इसमें 8 जोड़ते हैं तो 9 आना चाहिए, हाँ 9 भी है। यदि इसमें 8 जोड़ते हैं तो 12 आना चाहिए, 12 भी है। यदि इसमें 8 जोड़ते हैं तो 8 5 13 13 है। यदि इसमें अपन 8 जोड़ते हैं तो 8 है 20, और तो 26 आ रहा है, 26 है, हाँ। तो अपन को लॉजिक समझ में आ गया। तब लाइट, तो लाइट में एल होता है 12 नंबर पर, आई होता है 9 नंबर पर, जी होता है 7 नंबर पर, ठीक है, एच होता है 8 नंबर पर, टी होता है आपका 20 नंबर पर। इसमें अपन कितना जोड़ेंगे जल्दी से बताइए, 8, तो 12 8 कितना होता है 20, तो सारे ऑप्शन में 20 है, चलिए छोड़ दीजिए। 8 है तो कितना हो जाएगा 17, तो 20 17, तो ए हो नहीं सकता, ए हो नहीं सकता, ए हो नहीं सकता। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस प्रकार से स्पीड में भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन ए रहा, ठीक है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? विज्ञान के अध्यापक प्लास्टिक के थैली का प्रयोग नहीं करते हैं। अब जो विज्ञान के अध्यापक रहते हैं वो प्लास्टिक के थैले का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, कथन एक। और दूसरा कथन क्या है? प्लास्टिक के थैले का उपयोग कुछ इंजीनियर द्वारा नहीं किया जाता है। जो प्लास्टिक के थैले हैं तो कुछ इंजीनियर द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ के द्वारा तो प्रयोग किया भी जाता होगा, ठीक है। देखिए, विज्ञान के अध्यापक जो प्लास्टिक के थैले का प्रयोग नहीं करते। अब अगला निष्कर्ष पढ़िए, विज्ञान के सभी अध्यापक इंजीनियर होते हैं। बताइए, क्या विज्ञान के जितने भी अध्यापक होंगे क्या सभी इंजीनियर होंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ इंजीनियर हो भी सकते हैं, कुछ शिक्षक होंगे, कुछ प्रिंसिपल होंगे, कुछ कुछ भी होंगे, ठीक है, कुछ नौकरी कर रहे होंगे, तो सभी नहीं हो सकते। तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैले का प्रयोग नहीं करते हैं, देखिए कुछ नहीं करते हैं, ये नहीं बोला कि सभी नहीं करते, कुछ तो करते भी होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। तो ना तो एक ना ही दो सही है, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। 7 व्यक्ति हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी पंक्ति में खड़े हुए हैं। कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले अपन 7 व्यक्ति की जगह बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन बाद में बैठा रहेंगे, पहले अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्या, सबसे पहली बार बोला जा रहा है कि डी जो है किसके बाईं ओर है? जी के दाईं ओर है, दाईं ओर। यदि मान लीजिए जी यहाँ पर बैठाते हैं तो इसके दाईं ओर कौन है? डी है, ठीक। यदि जी इस तरफ की ओर देखता है, पहले अपन इस प्रकार से देख ले, यदि इस प्रकार से नहीं होगा तो इसका क्या होगा? एक लॉजिक और लगेगा, मतलब इस साइड की ओर देख रहा होगा, ठीक, दक्षिण की ओर देखेगा, लेकिन अपन उत्तर की ओर देखते हैं। आगे बोला जा रहा है, ठीक है, दो आपकी कंडीशन बनेंगी यदि बनाने बैठे तो, लेकिन देखिए जीडी के क्वेश्चन है तो एक ही कंडीशन में राइट आना चाहिए। आगे जो बोला जा रहा है, सी ए और बी के बीच में है। अब देखिए सी जो है वह किसके बीच में? ए के और बी के बीच में है। सी जो है ए और बी के बीच में, तो अपने यहाँ पर दो कंडीशन बना दी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। दो कंडीशन बनाए कि नहीं बनाए? बिल्कुल बनाए। अब आगे पढ़िएगा, ये दूसरे नंबर में तो अपन को कुछ समझ में नहीं आया तो अपन उसका अलग लिख दिया। अब ई जो है एफ और डी के बीच में है, अब ई जो है एफ और डी के बीच में है, तो ई यहाँ पर आएगा तो एफ कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा, क्योंकि एफ डी के बीच में कौन बैठा है? ई बैठा है, तो इसी प्रकार से बैठेंगे, चलिएगा। अब जी की बात कर लें तो जी और बी के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर बी आएगा। क्यों बी आएगा? क्योंकि 1 2 3 व्यक्ति जी और बी के बीच में बैठे हैं, तो इसको अपन यहाँ पर बैठा रहे हैं। यदि मान लीजिए जी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ पर आ जाएगा, और ई आपका यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? एफ आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका बी। अब देखिए क्या बोला था, ए और बी के बीच में सी बैठा है, तो सी यहाँ बैठा देंगे और ए को अपन यहाँ पर बैठा देंगे, तो अपनी सीरीज बिल्कुल कम्प्लीट हो चुकी है। अब आपसे पूछा क्या है कि बिल्कुल बाईं ओर कौन बैठा है? अब देख लिया अपन इस साइड की ओर, सबरे देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इसके ए क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा? जी का लेफ्ट। तो इसी साइड देख रहे होंगे, तो आपको इतनी सी बात समझ में आ चुकी है। तो अब आपसे पूछा क्या है, सबसे बाईं ओर कौन खड़ा है? तो बाईं ओर कौन खड़ा है? ए, यानी ऑप्शन नंबर
ये तो दाएं ओर खड़ा है, ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, ये तो दाया हो जाएगा। यदि ए ऑप्शन दे देते तो आपको क्या हो जाता गलत। तो अपन से पूछा क्या बाईं ओर पूछा, तो यानी जी आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बताइएगा, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताना है, त्रिभुजों की संख्या बतानी। तो अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वीडियो को आपको रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आप उसे बार बार बोलता हूँ, यदि आप एक दो तो आपको पता है एक प्लस दो को ऐड करते हैं तो यहाँ से त्रिभुजों की संख्या निकल आती है कितने, तीन। तो तीन इसमें है, तीन इसमें है, तीन इसमें है, और तीन क्या इसमें है। तो देखिए तीन इंटू कितने चार बार हैं, तो आपके बारह आ जाएगा। क्या बारह आंसर है? कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन सी टिक करेंगे, आगे बढ़ जाए, लेकिन नहीं, तीन यहाँ पर भी हैं और तीन यहाँ पर भी हैं। तो मतलब तीन इंटू दो और करेंगे तो तीन दूनी हो रहा है छः, यानी अठारह ऑप्शन में है, हाँ है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से सोल्व करिएगा, ठीक है। ये आपका आज का छठवां क्वेश्चन है, शायद आखिरी क्वेश्चन होगा। क्या बोला जा रहा है कि पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द, कौन सा एक अक्षर हटाया जा सकता है। देखिए पूरी तरह से शब्द बनाने के लिए कोई एक अक्षर अपन को हटाना है, और पूरे इन जो वर्ड दिए गए उनमें से हटाना है और अपना एक क्या बन जाए, शब्द बन जाए। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं, सबसे पहला अक्षर क्या है, एच ओ एच टी होस्ट, ठीक। आपको सॉल्व जल्दी से करना है, मैं इसलिए लिख रहा ताकि आपको टाइम थोड़ा सा मिल जाए। पोस्ट, फिर क्या है कोस्ट, फिर क्या है जल्दी से बताइए लोस्ट। अब इसको अपन यहाँ जगह छोड़ ले क्योंकि यहाँ पर एक शब्द अपन को क्या करना है, उसको मिटाना है। लॉस्ट हो गया, फिर क्या बचा, स्टॉप अकेले बचा, तो एस टी ओ पी स्टॉप बचा। तो जल्दी से बताइए कौन सा शब्द हटा दें, कॉमन आपको एक शब्द हटाना है। यदि अपन तीन टी हटा रहे मान लीजिए, तो हॉस फोस कोस लॉस, और यहाँ टी हटा रहे तो सॉप, कुछ नहीं बढ़ रहा। यदि कुछ भी नहीं करना, इसमें सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें से एस हटाई, इसमें से, इसमें से, इसमें से, और इसमें से। जैसे ही एच एस को अपन क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, हटा देंगे, तो आपका बचा क्या, हॉट शब्द बना, बिल्कुल बना। यदि एस को, तो यहाँ क्या बचा, पोर्ट बना शब्द, यहाँ क्या बचा, कोट बना शब्द, यहाँ क्या बचा, लॉट बना शब्द, यहाँ क्या बचा, टॉप। तो सारे के सारे शब्द बच रहे हैं, तो आपको हटाना क्या है, ऑप्शन नंबर ए यानी एस को हटा देना था, और अपना आंसर आ चुका है। तो वीडियो के एंड में कमेंट करिएगा छः में से आपके कितने राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए, ठीक है। जिसके पांच राइट हुए होंगे उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और जिसके चार सही होंगे, देखिए ईमानदारी से बताना, उसके 80% चांस रहने वाले हैं, और जिस पर तीन बने हैं छः में से उसके तो मान लीजिए 50% चांस है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने राइट हुए कितने रॉन्ग हुए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।